देश की राजनीतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र पटना, पहले पाटलिपुत्र और अब पटना के नाम से जानी जाने वाली इस भूमि को, जहां एक ओर भगवान बुद्ध, महावीर, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, नानक और गुरु गोविंद सिंह जैसे संतों और साधकों ने अपनी चरण धूलि से पवित्र किया, वहीं दूसरी ओर ये भूमि सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त और आर्यभट्ट जैसे कर्म योद्धाओं और सिद्ध पुरुषों की कर्मस्थली भी रही। आधुनिक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण और आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति संत राजनीतिज्ञ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बिहार की इस राजधानी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनन्य पुजारी, कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त तथा सरलता और सादगी के अवतार राजेंद्र बाबू सन 1918 में बिहार की इसी धरती पर महात्मा गांधी के संपर्क में आए। बिहार की इस राजधानी से करीब 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व एक स्थान है छपरा। इसी छपरा से करीब 70 किलोमीटर दूर पुराने सारण जिले का एक सर्वोन्नत गांव है जीरादेई, जो सीवान से पश्चिम में उत्तर पूर्व रेलवे का एक जंक्शन है। पटना गोपालगंज मार्ग पर स्थित इस शांत सुरम्य मनोहारी गांव में एक ज्योतिर्पुंज उभरा, जो न केवल हमारे देश की सुंदर राजनीतिक परंपराओं का प्रतीक बना, बल्कि मूर्तिमान भारत के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ। पटना गोपालगंज राष्ट्रीय राजमार्ग से पश्चिम एक पक्की सड़क सीधी एकांत में खड़ी एक छोटी सी साधारण सी हवेली के प्रवेश द्वार पर समाप्त होती है। हवेली के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने एक गुंबद नुमा स्मारक दिखाई देता है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र ने उनकी मृत्यु के बाद बनवाया था। छोटे से गांव की इस छोटी सी हवेली में ही 3 दिसंबर 1884 को राजेंद्र बाबू ने जन्म लिया और अपनी राष्ट्रभक्ति तथा तपस्या से पूरे देश को गुंजायमान किया। बड़े से चौक के दाईं ओर एक साफ सुथरी इमारत खड़ी है, जो अपेक्षाकृत नई दिखाई देती है। गोल खंभों पर टिका यह भवन प्रसाद परिवार का अतिथि गृह था। 1927 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यहां आए और 2 दिन ठहरे थे। मुख्य द्वार के ठीक सामने एक पुराना जीर्ण शीर्ण साधारण सा मकान है। सामने लकड़ी के खंभों की लंबी कतार वाला बरामदा है। इन कंगूरेदार खंभों की खूबसूरती इस भवन के स्वर्णिम इतिहास की गवाही देती है। यही राजेंद्र बाबू की पुश्तैनी हवेली है। हवेली के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही चारों ओर लंबे बरामदों से घिरा आंगन है। आंगन के एक कोने में लगा
तुलसी का बिरवा और बरामदे की दीवारों पर लिखी गई कोहबर राजेंद्र बाबू की धार्मिक अभिरुचि और सांस्कृतिक परंपरा के साक्षी हैं। ऐसे वक्त जब भारत भूमि पराधीनता की पेड़ियों में कराह रही थी तथा भारतीय समाज की अस्मिता खंड खंड हो रही थी, हवेली के इसी कमरे में 3 दिसंबर 1884 को मुंशी महादेव सहाय के परिवार में राजेंद्र बाबू ने जन्म लिया। राजेंद्र बाबू का लंबा चौड़ा परिवार इसी हवेली में संयुक्त रूप से रहता था। राष्ट्रपति पद प्राप्त हो जाने के बाद भी ये हवेली बनावटी रहन सहन, खान पान और दिखावटी तौर तरीकों से सर्वथा मुक्त रही। भवन में इधर उधर बिखरा घरेलू उपयोग का सामान आज भी राजेंद्र बाबू की सादगी, भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति उनकी गहरी आस्था की गवाही देता प्रतीत होता है। जीरादेई का ग्रामीण परिवेश हो, पटना का शहरी वातावरण या फिर राष्ट्रपति भवन का असाधारण वैभव, बाबू की जीवनचर्या में कभी कोई आडंबर नहीं देखा गया। रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल और आचार विचारों से वे सच्चे अर्थों में भारतीय थे। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने अपने राजसी आवास का बहुत ही सुंदर ढंग से भारतीयकरण कर दिया तथा अपनी रीति नीति से राजकाज की परंपरा स्थापित करने का महत्वपूर्ण भार उठाया। राजेंद्र बाबू में परस्पर पूरक गुणों का अद्भुत सामंजस्य था। प्रतिभा थी तो उसे निखारने के लिए प्रयत्न भी था। अविचल, सत्य पथगामी और सिद्धांतशील राजेंद्र बाबू की विनम्रता, सरलता और सादगी सबका मन मोह लेती थी। कि सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जब वो रिटायर होकर यहाँ आ गए तो अखबार ने सायल किया, शायद किसी के इशारे पर, कि लेट रिटायरमेंट रिटायर, और ऐसे तरीके से उसको लिखा गया कि हम सबों को काफ़ी दुख हुआ, बहुत रंजिश भी हुई। और हम लोगों ने सोचा कि इसको उस अखबार के प्रति को हर पटने के चौराहे पर जलाया जाए। बाबू को इस बात का पता लग गया, अब हमें बुलाया गया और उन्होंने कहा कि तुम्हें नाराज़गी हुई होगी, अपना अपना विचार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा करना ठीक नहीं है। जनमत को क्यों किसी खबर से या कि उसके भावनाओं से उनको अलग करना चाहते हो, ये तो गलत होगा। मुझे याद है कि 1932 साल में जब मैं पटना सिटी में हमारी तब्दीली हुई और हमको उन लोगों ने, सरकार ने कहा कि उनकी जाके गिरफ्तारी करें, मैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भोर को उनके घर पर पहुंचा, फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड पर रहते थे।
उस वक्त वकालत करते थे, मगर ना उनका ऑपरेशन कर लिया था। जब हम उनके यहाँ पहुँचे करीब 7 बजे सुबह को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू अलह अरेस्ट करे, सरकार यही भेजने वाला, हमारा का करी। तो हमने कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा तो हमारा ज़रा निहाय उहाय थी कि चलिए अभी तुरते, कहा कि ना ना हम बैठब आपसे चाय कर ली। तो बैठ करके वो उन्होंने अपना स्नान स्नान किया, नाश्ता किया, तब हमको उनको अपनी गाड़ी में अपने बगल में बैठा करके ले गए। हम कोई और सिपाही उपाही को ले नहीं गए थे, खाली ड्राइवर हम और वो, उनको ले जा करके हमने बाकीपुर जेल में रख दिया। दूसरे रोज़ उनका ट्रायल शुरू हुआ, जो कलेक्टर था यहाँ का वही ट्रायल शुरू किया। ट्रायल में एक लॉयर आए और उनके तरफ से कुछ बोलना चाहा, तो कलेक्टर साहब ने लॉयर को कहा कि अच्छा तो एक ही गवाह हमारे पास हैं, ये गवाह से आप पूछ सकते हैं सवाल जो आप चाहते हैं। तो वकील साहब ने हमसे पूछना शुरू किया कि अच्छा आप तो साहब इतने बड़े आदमी को आप अरेस्ट करने गए और उनको आप इस तरह से जलील तरह से ले आए यहाँ पकड़ करके, ना उनको खाने दिया ना उनको नाश्ता करने दिया, और भोर को जाके पकड़ के ले आए यहाँ। तो वो खुद खड़े हो गए और कहा कि आपको कौन कहा है हमारे लिए वकालत करने का, हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए कोई वकील हो, और आपको ये गलत सवाल आप पूछ रहे हैं, इनसे गलत बात आप समझाना चाहते हैं हमको। इन्होंने 2 घंटे बैठा, अपने बैठे रहे, हम पूरा स्नान किया, खाना खाया, तब अपने गाड़ी पर बैठा करके हमको जेल में ला के रखा, और आप कहते हैं कि इनको इन्होंने हमको दिख किया, ये गलत बात है, और मेहरबानी करके आप चले जाइए, हम कोई लॉयर को अपने पास, हमारे वास्ते लॉयर की ज़रूरत नहीं है हमको। उस दिन मैं दिल्ली में था और वो राजेंद्र बाबू जानते थे कि मैं वापस पटने आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन करवाया कि तुम हमसे मिल के जाओ। तो मैं उनके पास गया, 8 या 9 बजे का वक्त था सवेरे का, उन्होंने मुझे अपने साथ नाश्ता करवाया, और उसके बाद हमने कहा कि बाबू आज तो बात वो तय हो गई, अब तो उसमें कोई झगड़े फसाद की बात नहीं है। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि झगड़े फसाद तो झगड़े फसाद वाले करते थे, लेकिन ये तो सब कोई जानता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने कांग्रेस मेंबर्स हैं वो हम ही कुछ चुनेंगे। तो खैर ये बात हो गई, तो हमने कहा नहीं बहुत अच्छा हुआ, और ये सारे देश के लिए ये सौभाग्य है कि आप जो हैं उसके पहले प्रेसिडेंट हुए। और कब जाइएगा आप ये तो बताइए ज़रा, आप राष्ट्रपति भवन कब जाएंगे? कहेंगे क्या पूछते हो हमसे तुम, हम तो कल शाम ही को हमको लोग ले गए वहाँ घूमने के लिए, हमको तमाम घुमाया, लेकिन हमारे समझ में तो एक बात ही नहीं आती। बड़ा वो हमको संकोच हो गया, हमने कहा वो क्या, तो कहने कि अरे भाई उतना बड़ा मकान तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सजा हुआ है। हाँ तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, और ये अगर आप चाहते हैं कि आप घर में झगड़ा ना हो आपसे मृत्युंजय के माई से, तो पहले उनके चौके का इंतजाम कर लीजिए, तो फिर उसके बाद आप जाइए प्रेसिडेंट होके वहाँ उस घर में। बाबूजी के देहात के लोग से बहुत पसंद रहा, जीरा जई बहुत पसंद रहा, सोना पर घूमे, सुबह उठ के जहन जात रहनी, ओकरा वैसे चरखा सुबह काटत रहनी, बाहर के लोग देहात के लोग आई बहुत मिलब, खाना भी देहाती खाना बहुत पसंद रहल, जौना में कभी कभी सावा के खीर, कभी मरुआ के रोटी, कभी मक्का के भुजा, कभी कभी उनको जाएंगे तो एक महीना के करीब रहेंगे रहब, एक महीना के करीब रहो। शादी ब्याह में पुराना चाल, पितर के पूजा, कुल के पूजा, कलशा और कोहबर लिखल, इस सब पुराना बात बाबूजी के बहुत पसंद रहल। बाबा के जीवन काल में हम 9 बहनों का विवाह हुआ, और इन सब इन विवाहों की सारी तैयारी सब प्रबंध बाबा के प्रत्यक्ष देखरेख में हुआ, और इनमें बाबा की तरफ से
पूरी तरह ये वे विशेष रूप से कहते कि जो परिवार में वर्षों से चली आ रही परंपराएं हैं उनका निर्वाह पूरी तरह किया जाए। मुझे याद आता है ज़्यादातर विवाह तो पटना से, दो विवाह जिरादेई से भी हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से तीन विवाह उन्हें दिल्ली से करने पड़े। हालांकि वे चाहते नहीं थे कि पद के कारण जो सुविधाएं उन्हें मिली हैं उन सुविधाओं का उपयोग वे इन निजी कामों में करें, लेकिन कुछ मजबूरी से ये तीन विवाह उन्हें दिल्ली से करने पड़े। लेकिन दिल्ली में भी जैसा कि पटना या जीरादेई में होता था कि महीनों पूर्व दादी, चाची और अन्य महिलाएं विवाह स्थल पर पहुंचकर विवाह की सारी तैयारी करने लगती, अनाज चुने जाते, अचार इत्यादि बनते, दिल्ली में भी ये सब सारे काम हुए और विवाह की सारी तैयारी हुई और सबको निमंत्रित किया गया। अन्य स्थान पर तो ज़्यादातर परिवार के ही लोग रहते, लेकिन दिल्ली में चूंकि बाबा का पद ऐसा था, पद के कारण भी उनको कुछ लोगों को निमंत्रित करना पड़ता था, लेकिन बाबा को इस बात का भी ध्यान रहता कि पद के कारण उनको कहीं से कुछ खास उपहार नहीं मिले, और इसीलिए हम लोगों के विवाह के जो निमंत्रण पत्र होते उनमें यह विशेष रूप से लिखा रहता कि हम किसी प्रकार का उपहार स्वीकार करने में असमर्थ है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। बाबा का परिवार बहुत ही बड़ा था और उसमें खर्चा भी बहुत होता था, लेकिन आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि बाबा अपनी जेब में एक पैसा भी नहीं रखते थे। कभी ज़रूरत होती थी तो अपने सेक्रेटरी से कहते थे कि आज मुझे कुछ खर्चा है, रुपया ला के दो। एक रोज़ उन्होंने कहा कि मुझे बाज़ार जाना है और मुझको रुपया ला के दो। सेक्रेटरी ने उनको रुपया तो दे दिया। बाबा गए, दो घंटा तक दिल्ली में घूमते रहे। उनके समझ में ना आया कि मैं कहाँ से क्या खरीदूँ, कहाँ उतरूँ, क्या करूँ। दो घंटे बाद जब घर वापस आया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ ख़रीदा ही नहीं और रुपया लेके वापस कर दिया। तो हम जितने बच्चे थे सबको इतनी हंसी आई, कह रहे बाबा को बाज़ार करना भी नहीं आता है, बाबा ने बाज़ार किया ही नहीं। और हम लोग ये सोच सोच के हंसते रहे, बहुत देर तक हंसे कि बाबा बाज़ार भी नहीं कर सकते, जो कि देश का इतना बड़ा काम कर सकता था वो आदमी बाज़ार भी नहीं कर सकता। बाबा को बाज़ार भले न करना आता हो पर हिसाब किताब में वो बहुत ही चुस्त थे। उनके साथ कई बार मैं सैलून में गया हूँ। पहले तो वहाँ पर जो सैलून की जो प्रेसिडेंशियल सैलून उस वक़्त जो या स्पेशल ट्रेन जो चला करती थी, एक दो बार विमान पे भी उनके साथ में मैं गया, तो वहाँ की जो सुविधा थी वो तो थी ही। तो पहले मुझे मालूम नहीं था, बहुत बाद में जब हम कुछ बड़े हुए तो हमको हम लोगों को मालूम हुआ कि बाबा जो जो भी उनके साथ जाता था सिर्फ दादी को छोड़कर उसकी टिकट का जो व्यय हुआ, टिकट पर जो व्यय हुआ उसका वो भुगतान किया करते थे। इसी प्रकार जो उनके साथ गाड़ी में हम लोग जो भी भोजन वोजन करते थे, जो खाना खाते थे, उसका भी भुगतान हुआ करता था। जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को आगे कभी बढ़ाया हो या किसी के लिए गैर जिम्मेवार तरीके से उन्होंने कभी कुछ कहा हो, इसका एक भी उदाहरण उनके जीवन में नहीं है। हम लोग जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, कुछ लोग नौकरी भी करते हैं उसमें, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके नाम का फ़ायदा हम लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं की और नहीं कभी उनको देखा परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपने नाम का फ़ायदा दे के आगे बढ़ाते हुए। बाबा के जीवन से कुछ मूल्यों को हम लोगों ने ज़रूर आत्मसात किया है और ये हमेशा हम लोगों के जीवन में रोशनी लाता रहा है, उनकी लाती रही है उनकी बातें, कि कभी भी कुछ भी आगे बढ़ने के लिए सिवाय अपनी क्षमताओं के, अपनी सही मेहनत के और अपनी ईमानदारी के अलावा कोई रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अपने स्कूली समय में राजेंद्र बाबू बेहद प्रतिभाशाली छात्र थे। छपरा का वो जिला स्कूल जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की।
इसके बाद वे पटना कॉलेज में भर्ती हुए। अपनी विलक्षण प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि के बल पर उन्होंने सन 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बाद में उनकी प्रतिभा और तीव्र स्मरण शक्ति की चर्चा देश और विदेशों में भी की जाने लगी। पहला बिहारी, सारा बिहार, बंगाल, आसाम, बर्मा सब एक यूनिवर्सिटी थी उस वक्त में, और मेट्रिकुलेशन एंट्रेंस का इम्तहान में वो फर्स्ट आए थे सब्जेक्ट, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, फर्स्ट थे वो, और बराबर फर्स्ट रहे बिहार में। पहले वकालत में भी एमएल किया, सबसे पहले बिहारी वही एमएल हुए, तो उनकी मेमोरी की क्या बात कहनी थी। मैं जब दिल्ली में था तो वो फाइल जो उनके पास जाती थी तो फाइल में ए बी सी लिख देते थे आफ्टरनून में, और मॉर्निंग में उनका आता था स्टेनोग्राफर और वो खाली कहे ए और लिखित कर दे उस पर, ये नहीं कि फिर फाइल उलट के देख रहे हैं और पेज पढ़ रहे हैं, इतनी मेमोरी इनकी तेज थी। और ऐसी 5 फाइल 6 फाइल एक 15-20 मिनट आधे घंटे में डिस्पोज ऑफ कर देते थे, ये उनकी मेमोरी थी। लगता था जैसे कि कंप्यूटराइज्ड मेमोरी है, जब पुरानी बात कोई पूछो तो उनको ऐसा लगता खटाक जवाब उसका देते थे। हमें याद आता है बाबू पहले पहल विलायत गए थे बर्मा केस में, बाबू हरी जी आरा के बर्मा केस में गए हुए थे, 30-40 साल के बाद एक दफ़ा बातें हो रही थी, बाबू हरी जी के लड़के ने उनसे पूछा कि क्या ये अमुक प्रश्न सुप्रीम प्रिवी काउंसिल के सामने आया था। बाबू ने ज़रा देर सोचा और कहा कि हाँ आया ज़रूर था, और मेरा ख्याल है कि अगर उसके आप रिपोर्ट्स में जो कागज़ छप कर दिया जाता है प्रिवी काउंसिल में है, उसके अगर अमुक पन्ने में फलाने वॉल्यूम के अमुक पन्ने में आप देखेंगे तो शायद होना चाहिए, और जब खोला गया तो सही वही बात निकली। मई 1962 को राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद वे सीधे गंगा के मनोरम तट पर स्थित सदाकत आश्रम में आम्र कुंज के बीच फूस खपरेल के अपने पुराने मकान में पटना आ गए, जहां से वे गए थे। अत्यधिक शारीरिक कष्ट और लोगों के अनेकानेक प्रयासों के बावजूद उन्होंने राजकीय आवास में रहना स्वीकार नहीं किया। बाद में सदाकत आश्रम के ही दूसरे साधारण से मकान में उन्हें लाया गया। कुछ दिन रहने के बाद इसी भवन में 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। 2-3 दिन पहले शायद हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, वो कहने लगे कि हमें पटना यूनिवर्सिटी में जाना है दीक्षांत समारोह में, तबीयत भी ठीक नहीं है, देखें जाना तो पड़ेगा ही। और जिस रोज़ था वो दीक्षांत समारोह, उसके पीछे पहले रात ही वो दुनिया से चल बसे। सच तो यही है कि सामान 100 बरस का है और कल की खबर नहीं। राजेंद्र बाबू के निधन के बाद सदाकत आश्रम में गहरा सूनापन छा गया। केवल एक व्यक्ति के नहीं रहने से सब कुछ कितना बदल गया था। मृत्यु यदि स्वाभाविक क्रिया है तो ये हलचल क्यों, ये विलाप क्यों, क्यों ये क्रंदन, क्या वजह है सूनेपन की? उनकी मृत्यु से
आई रिक्तता क्या कभी भर सकेगी? मृत्यु जैसे जैसे समीप आती जा रही थी, उनके श्वास में बहुत कष्ट बढ़ रहा था और बहुत घरघराहट हो रही थी। बड़ी विलक्षण बात यह थी कि कष्ट में भी, उतनी तकलीफ के बावजूद भी, उनके हमेशा बिल्कुल मतलब फंसे हुए शब्दों में ही राम राम शब्द का उच्चारण हो रहा था। यादें रह गई। राजेंद्र बाबू का जीवन दर्शन था ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास और मानव मात्र के प्रति अटूट प्रेम।